वेलकम बैक दोस्तों, यूट्यूब का एक और न्यू अपडेट आ चुका है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक अपडेट आया है। तो दोस्तों ये अपडेट क्या है और इसके हमारे चैनल पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है रोबिन और आपका हमारे चैनल रोबिन टेक टिप्स में स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक और स्टेप को ऐड कर दिया, यानी हमें 3 की जगह 4 स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला और दूसरे स्टेप में हमें 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता था, उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता था। इसके बाद तीसरे स्टेप को ऐड किया गया जिसमें अगर हमारे चैनल पर कोई भी एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो दोस्तों हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन इसके बाद यूट्यूब ने हमारे यूट्यूब मोनेटाइजेशन में एक और स्टेप को ऐड कर दिया है। तो दोस्तों इस चौथे स्टेप का नाम है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जिस ईमेल आईडी से आपका चैनल एंड एडसेंस अकाउंट है उस पर आपने अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं किया हुआ तो दोस्तों अगर आप अपने चैनल को रिव्यू में भेजते हैं तो दोस्तों आपका चैनल लंबे टाइम तक रिव्यू में ही पड़ा रहेगा, यानी यूट्यूब आपके चैनल को लंबे टाइम तक चेक नहीं करेगा। इसलिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने के बाद अगर कोई दूसरे डिवाइस में आपकी ईमेल आईडी या आपके यूट्यूब चैनल को ओपन करने की कोशिश करता है तो दोस्तों आपके पास एक मैसेज सेंड कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल में एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप परमिशन देना चाहें तो दोस्तों आप परमिशन दे सकते हैं। और अगर आप 1 नवंबर 2021 तक 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं करते हैं तो दोस्तों आप अपने वाईटी स्टूडियो ऐप को यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना ही पड़ेगा। इसे आपको कैसे इनेबल करना है इससे रिलेटेड मेरे इसी चैनल पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों